गढ़ के लड़िया में हर एक अपडेट न्यूज स्टेट सबसे पहले आप तक पहुंचा रहा है। यूपी उपचुनाव की काउंटिंग से जुड़ी बड़ी खबर, यूपी की तीनों सीटों पर समाजवादी पार्टी आ गए। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, मैनपुरी में डिंपल यादव को बड़ी बढ़त मिली हुई है, रामपुर में आसिम राजा आगे चल रहे हैं और खतौली में आरएलडी और समाजवादी पार्टी के गठबंधन के प्रत्याशी मदन भैया बीजेपी प्रत्याशी से आगे चल रहे हैं। और लगातार हर एक अपडेट सबसे पहले न्यूज स्टेट आप तक पहुंचा रहा है। और मैनपुरी उपचुनाव में डिंपल यादव एक भारी बहुमत बना चुकी हैं और रघुराज शाक्या से तकरीबन 51,022 वोटों से भी आगे चल रही हैं डिंपल यादव। तो हम कह सकते हैं एक निर्णायक बढ़त डिंपल यादव बना चुकी हैं और सबसे बड़ी उनको बढ़त जो मिली है वो जसवंत नगर विधानसभा सीट से मिली है। तकरीबन 40,000 से भी ज्यादा वोट से भी वो जसवंत नगर सीट से आगे और 51,022 वोटों से आगे इस वक्त डिंपल यादव चल रही हैं। तो मैनपुरी उपचुनाव से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, डिंपल यादव इस वक्त आगे चल रही हैं, 50,000 से ज्यादा वोटों से आगे चल रही हैं। उसके अलावा रघुराज शाक्य की अगर हम बात करें तो काफी पीछे हैं और खतौली में आरएलडी के मदन भैया इस वक्त आगे चल रहे हैं, समाजवादी पार्टी और आरएलडी गठबंधन के वो प्रत्याशी है। उसके अलावा अगर हम बात रामपुर की करें तो तीनों सीटों पर इस वक्त बीजेपी पीछे चल रही है और रघुराज शाक्य तो अपने गांव का बूथ भी नहीं बचा पाए हैं, गांव का बूथ भी रघुराज शाक्य हार गए हैं। और तीनों सीटों पर समाजवादी पार्टी इस वक्त आगे चल रही है। तो 2024 का सेमीफाइनल इस उपचुनाव को बताया जा रहा है। तो खतौली में आरएलडी प्रत्याशी मदन भैया आगे चल रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, आरएलडी और समाजवादी पार्टी के गठबंधन के प्रत्याशी 7,847 वोटों से मदन भैया इस वक्त आगे चल रहे हैं। विधानसभा का चुनाव भी लड़ा था उन्होंने, 2022 का चुनाव हार गए थे और इस बार उनको प्रत्याशी बनाया गया। रामपुर की अगर हम बात करें तो पांचवें राउंड में आसिम राजा इस वक्त आगे चल रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, आजम खान की सदस्यता रद्द होने के बाद इनको प्रत्याशी बनाया गया था, 3,966 वोटों से आगे चल रहे हैं। तो कपीश श्रीवास्तव समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ बने हुए। कपीश जी आपके पास आएंगे, सवाल आपसे यही है, तीनों सीटों पर इस वक्त समाजवादी पार्टी और उनके गठबंधन की जो दल आरएलडी जो है वो आगे चल रहे उपचुनाव में, कैसे इसको देख रहे हैं, क्या कहेंगे? खुश तो बहुत होंगे आप। हम लोग तो पहले से कह रहे थे कि समाजवादी पार्टी और हमारा गठबंधन इन तीनों सीटों पर विजयी होगा, लेकिन साथ में एक चीज ये है कि हम जितनी बढ़त से जीत सकते थे उसको कम करने का काम शासन और प्रशासन के डबल इंजन की सरकार ने किया। इनके मंत्री जनता का काम छोड़ करके तीन जगहों पर उपचुनाव में शासन और प्रशासन को का तारतम्य बना रहे थे और उनको जो है ये बता रहे थे कि भैया कोटेदार से तुमको क्या करना है, प्रधानों को कैसे फिट करना है, लाठियां कहां पटकवानी है। तो ये सारे काम में पूरी तरीके से इनकी मंत्री वहां पर बैठ करके लगे हुए थे, लेकिन जनता का जब अपार प्रेम आपके साथ हो तो आपकी जहां भी जीत जो है कई लाख से होनी थी वहां आप इतना हो सकता है कि आप 1.5 लाख से जीत जाए। जैसे मैं आपसे एक बात कह रहा हूं, मैनपुरी में अभूतपूर्व जीत होनी थी, वो कम से कम 2.5 लाख की होनी थी, लेकिन यहाँ पे जो शासन और प्रशासन ने जिस तरीके से अत्याचार किया है रामपुर के अंदर, मैनपुरी के अंदर, खतौली के अंदर, और जिस तरीके से आपने देखा कि पहले से मत प्रतिशत भी कम हुए हैं, उससे ये प्रतीत होता है कि सरकार ने जानबूझ करके धीमे इलेक्शन को कराया, लाठियां फटी, लोगों के पास मतदाता पहचान पत्र होते हुए उसके अंदर जितनी आईडीज दी हुई हैं, अगर किसी के पास मतदान के लिए था भी तो उसे भी लाठी पटक के भगाया गया और इविडेंसेस के तौर पे तमाम ऐसे वीडियोस भी शामिल आए और हम लोगों ने समय समय पे चुनाव आयोग से शिकायत भी की। और मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, अभी हमारे मित्र ये कह रहे थे चौधरी साहब पहले कि अभी तो मैनपुरी में ये शुरुआत है और उनको जो पता चला है वो जसवंत नगर के बाद बाकी जगहों पर अभी जो है डबल इंजन की सरकार चल सकती है, तो उन्हें शायद यही पता नहीं है कि शाह के साहब अपना गांव ही हार गए। उनके कान में एक बार आप बोलिए तो भाई शाह के साहब अपना गांव हार गए तो कहां से वो पूरी सांसदीय सीट जीते जी। और ये डिफीट मिनिमम 1.5 लाख की होगी मैं आपसे कह रहा हूं, और इन्होंने 1 लाख वोट हमारे पढ़ने नहीं दिए हैं,
इस पर हमारी चुनाव आयोग से आपत्तियां रही हैं और वो अच्छा, हम अभी भी करेंगे। जीत आपकी अभी तक नजर आ रही है। मैनपुरी की अगर हम बात करें तो वहां तो लगभग लगभग निर्णायक आपकी जीत जो बढ़त है वो आप बना चुके हैं, बाकी सीटों में भी अब से कुछ देर में क्लियर हो जाएंगी चीजें। इस चुनाव को कैसे देखते हैं, इसका असर क्या होगा, इसको कहां तक ये जनता के दिलों में घर कर पाएगा, क्या ऐसा कुछ होने वाला है? देखिए, जनता कहीं की बटी हुई नहीं होती है। जनता इस बात में समाजवादी पार्टी के साथ 2022 के विधानसभा इलेक्शन में भी थी। और मैं क्यों कह रहा हूं कि जहां हम 47 सीट जीते थे वहां समाजवादी पार्टी ने 111 सीटें और उसके कुर्बेन ने 125 जीती। 200 से 210 सीटें ऐसी थी जिसमें महज 200 वोट से 1000 वोटों के बीच में यानी 5.5 लाख वोटों में हम चुनाव हार गए 210 सीटें। और ये जो 200 से 1000 का था डिफरेंस था, ये प्रशासन ने हम लोगों को हरवाया था, ये कौन नहीं जान रहा है? पूरी मीडिया जगत जान रही है, सारे लोग जान रहे हैं, जनता जान रही है। लेकिन अब जनता ने ये कहा कि अपार प्रेम देना है और समाजवादी पार्टी में कितना भी ये बेईमानी करा ले उसके बाद भी इनको जिताना है। तो ये उपचुनाव इस बात को तय कर रहे हैं कि जनता का प्रेम हमारे प्रति बढ़ता जा रहा है और जनता का स्नेह भारतीय जनता पार्टी के प्रति घटता जा रहा है, क्योंकि ये डबल इंजन की सरकार वादा करती है, वादा पूरा नहीं करती, केवल हिंदू मुसलमान करती है, छद्म राष्ट्रवाद करती है, जबकि सभी राष्ट्रवादी इस देश के अंदर रहते हम तो किसी को नहीं कह सकते कि राष्ट्रवादी नहीं। और जिस एक अर्धनग्न फकीर ने इस देश को आजादी दिलाई थी, ये समर्पण भाव से पूरे राजनीतिक दलों को देश की स्वतंत्रता के अंदर हुए आपके लोकमत के अधिकार को मिलने पर पर्व मनाना चाहिए। तो ये रामपुर में साहब लट्ठी डंडा फटकवाते हैं, ये फ्लैग मार्च दंगे वाला कराते हैं, जैसे लग रहा था कि रामपुर में कोई दंगा हो रहा है। इसलिए फ्लैग मार्च जरूरी है, बुलडोज करो नेताओं के मकान, डराओ कार्यकर्ताओं को, रेड नोटिस इशू कर दो, लाठियां मारो और वीडियो ना बनाने दो। ठीक है, वापस आएंगे आपके पास घेर के अंदर। बिल्कुल वापस आएंगे आपके पास, आप बने रहिए हमारे साथ, लगातार हर एक अपडेट जो है आप तक हम पहुंचा रहे हैं। और बीजेपी से इस वक्त आनंद दुबे हमारे साथ जुड़ गए हैं। आनंद जी, मैं आपके पास आऊंगा। इस वक्त यूपी उपचुनाव में जो आंकड़े आ रहे हैं, जो रुझान आ रहे हैं, वो आपके पक्ष में नहीं है, कैसे देखते हैं इसको? नहीं, निश्चित रूप से जो अभी शुरुआती रुझान है वो हमारे पक्ष में नहीं है, इसे हम स्वीकार कर रहे हैं। लेकिन अभी 5-6 राउंड की ही काउंटिंग ज्यादातर जगह हुई है, कुछ जगह उससे थोड़ी ज्यादा हुई। रामपुर में 32 राउंड की काउंटिंग होनी है, मैनपुरी में 16 राउंड की हो चुकी है। आनंद जी, 16 राउंड की काउंटिंग हो चुकी है मैनपुरी में। हाँ, मैनपुरी की नहीं, मैं रामपुर और खतौली की बात कर रहा था। और यहाँ 28 राउंड और 32 राउंड की काउंटिंग होनी है, मतलब 28 राउंड खतौली में, 32 राउंड रामपुर। तो थोड़ा इंतजार करने की आवश्यकता है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की लीड बढ़ेगी और भारतीय जनता पार्टी यहाँ सफलता हासिल करेगी। अभी मैं सुन रहा था हमारे भाई कपिल श्रीवास्तव जी को कह रहे थे कि बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, इनसे पूछिए कि थोड़ा थोड़ा ईवीएम पे भरोसा बढ़ रहा है या अभी नहीं बढ़ा है? क्योंकि ये तो कल चुनाव आयोग से कह रहे थे कि रामपुर का चुनाव खारिज कर दीजिए और फिर से वो ये सवाल तो बनता है, ये सवाल बनता है। आनंद जी, मैं चाहूंगा इस पर जवाब समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से। कपीश जी, आपके पास आऊंगा। ईवीएम पर लगातार सवाल आपके द्वारा खड़े किए जाते रहे, आपके ट्विटर हैंडल को मैं देख रहा था, आपके सोशल मीडिया के जो बाकी प्लेटफॉर्म्स हैं उनको हम देख रहे थे। आपके पास वापस आएंगे, एक और बड़ी अपडेट अपने दर्शकों तक पहुंचा दे। मैनपुरी उपचुनाव से जुड़ी हुई डिंपल यादव आगे चल रही है, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दे, रघुराज शाक्या से लगभग 60,850 वोटों से आगे चल रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दे, बड़ी खबर सामने आ रही, 60,850 वोटों से डिंपल यादव इस वक्त आगे चल रही है। तो डिंपल यादव पूर्व सांसद एक बार फिर से सांसद बनने की कगार पर पहुंच गई है और एक बहुत बड़ा अंतर जो है वो इस वक्त नजर आ रहा है। जवाब दीजिए कपीश जी, आपके पास आएंगे। बहुत बड़ा अंतर है, तकरीबन जीत जो है वो सुनिश्चित हो गई है डिंपल यादव की, इसको लेकर आपसे प्रतिक्रिया लेंगे। लेकिन जो ईवीएम पर सवाल आप लोग खड़े कर रहे थे, क्या ईवीएम बदल दी है बीजेपी ने? अब भी
पहले तो मैं एक बात कह दूं जी कि माननीय डिंपल यादव जी की जीत एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक जीत हुई और जनता का स्नेह प्रेम हम लोग के साथ है, इसको इन्होंने शासन प्रशासन की मदद से कोशिश की है कम करने। दूसरी बात मैं कह रहा हूं कि देखिए अभी परिवारवाद चल ही नहीं रहा है वहां पे, परिवारवाद कहां गया भाई, भारतीय जनता पार्टी परिवारवाद 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 नहीं नहीं एक मिनट ईवीएम पे ही बोल रहे हैं, पहले परिवारवाद पे हमें बोलना है। परिवार वाले जीत रहे हैं, ब्रह्मा की सृष्टि के साथ चलने वाले लोग जीत रहे हैं, और जो परिवार को दुराचार मानते हैं वो लोग हार रहे हैं, क्योंकि हम तो पूरे विश्व को अपना परिवार मान के चलते हैं। और जनता जिसको जिताती है, जनता जिसके साथ होती है, उसके मतों पर प्रहार आप करते हैं छद्म परिवारवाद बताकर, जबकि लोकतंत्र में निर्वाचन जनता के हाथ में है, परिवारवाद बताने वाले लोग इस देश की विकास के साथ खेलते हैं और जनभावनाओं के साथ खेलते हैं और उनके मतों पर प्रहार करते हैं जो लोग जिताते हैं किसी को। अब मैं ईवीएम पे बोल कि भैया ईवीएम को लूटते हुए हमारे मित्र बैठे हुए हैं, इन्होंने बनारस के अंदर देखा और आप सारे लोगों ने देखा कि काउंटिंग के एक दिन पहले किस तरीके से ईवीएम को शिफ्ट किया जा रहा था, बकायदा पकड़ा था राजभर साहब ने, उनको बहुत बहुत बधाई राजभर साहब को कि उन्होंने बड़ी मुस्तैदी से पकड़ा था, और उसी समय ये कहा था कि ये 6 राउंड जो हो चुके थे इलेक्शन उसमें हम समझ नहीं पाए थे कि ईवीएम जी जी संपर्क टूट गया, दोबारा जुड़ेंगे उनसे, कपीश जी के पास दोबारा चलेंगे। इंद्रजीत सिंह चीटू जी हमारे साथ बहुत देर से जुड़े हैं, मैं देरी से उनके पास पहुंच रहा हूं, जिसके लिए क्षमा। इंद्रजीत जी मैं आपके पास आऊंगा, सवाल आपसे यही है कि खुश तो बहुत होंगे आप क्योंकि आरएलडी जो है इस वक्त लीड कर रही है खतौली सीट से, समाजवादी पार्टी के गठबंधन से आपके जो प्रत्याशी थे। देखिए मैंने आपसे भी कहा था कि एक चीज आप जबरदस्ती हटाना चाहे, एक चीज आपको जनता देना चाहती है, दोनों में फर्क है जी। मैंने तो कल भी कहा आज भी कहा कि जितने भी बाई इलेक्शन होते हैं ये सरकारों को अपनी समीक्षा बैठक की तरह लेना चाहिए कि आपकी केंद्र में इतनी बड़ी सरकार हो गई, इतनी लंबी सरकार हो गई, डबल दोबारा सरकार आपकी आई, यूपी में आपकी सरकार आई, तो उपचुनाव में आप वेट एंड वॉच की पोजीशन में रहो, आप साइलेंट होके अपनी जो एजेंसीज हैं उनका यूज ना करके देखो कि जनता हमारी बातों से कितने संतुष्ट है, क्या जनता हमसे कुछ और उम्मीदें रखी हुई है, क्या जनता को जो वायदे करे हैं क्या हम उन वायदों पर पूरा नहीं उतर पाए। सच्चाई ये है जो हमारे को मैंडेट मिल रहा है 3 सीटों पे, उसका मेन कारण यह है कि इन्होंने मुद्दों को भटकाने के लिए, भाईचारा खत्म करने के लिए, भाई से भाई को लड़ाने के लिए, कभी परिवारवाद की बात, कभी हमारे जो किसान आंदोलन चल रहा था उग्रवादी आतंकवादी, तो फॉरेन फंडिंग, क्या चीज हमें आपसे नहीं कही, हम लोगों से क्या नहीं कहा गया, सब कुछ कहने का प्रयास करा और किसान कहता रहा, 700 किसान अपनी जान गंवा गए, 1 मिनट के लिए किसी 700 में से किसी घर 5 मिनट जाके बैठे नहीं, संवेदना प्रकट नहीं करी, एमएसपी पे बिल नहीं लाए, जिन किसानों के परिवार का सदस्य चला गया उनके ना मुआवजे की बात करी ना उनकी नौकरी की बात करी, एमएसपी पे आप बिल लाए नहीं, आपने गन्ने के रेट बढ़ाए नहीं, आपने गन्ने की कीमत बढ़ाई नहीं, और उल्टा आपने धमकाने और हड़काने की बात करेंगे तो जनता आज अपने मुंह से कुछ नहीं कहती है, जनता केवल मौका आने पे अपना अंगूठा दबा के अपना अपना समर्थन देती है और वो बताती है कि हम आपके कार्यशैली से आपकी जितना आप कार्रवाई कर रहे हो, जितना हमें मैंडेट दिया था आप उस पर कितना खड़े उतरे हैं, उसका जवाब वो वोट के माध्यम से जनता दे देती है और उसको हमको स्वीकार करना चाहिए। ठीक है, उसको स्वीकार करना चाहिए और इसको स्वीकार करना ही होगा क्योंकि लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत यही है कि जो जनता तय करती है वो सरकारों को तय करना ही पड़ता है। बिल्कुल कपीश जी कुछ कहना चाह रहे हैं जी। मैं बहुत देर से मैं भी कुछ बोलना चाह रहा हूँ। बोलिए बोलिए सुनिए जी जी। मुझे 40 मिनट तक खाली भाषण सुनने के लिए बैठने की इजाजत नहीं है। नहीं आप अपनी बात पूरी रखिए कपीश जी, मैं आपके पास ही आया था अभी।
जी 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 हेमंत जी, हेमंत जी, हेमंत जी आपके पास आएंगे। जी बोलिए हेमंत जी। मैं खाली ये कह रहा था कि ये तो भाषण को आरोप वस्तुतः इस पूरे चुनाव परिणाम का जो प्रिंट आ रहा है इसकी मीमांसा हमने की, इसके मतलब क्या है, हमने कहां जाना। अभी उमाकांत खेड़ा जी से कहने लगे कि मायावती जी हारे इसलिए चुनाव नहीं लड़ती। अरे मायावती जी चुनाव हराने के लिए लड़ती, हारने के लिए कह लड़ती। आजमगढ़ चुनाव क्यों लड़ा हुआ जब वो बाई इलेक्शन लड़ती ही नहीं थी। ये अपनी अपनी राजनीति होती है। और जहां तक मैनपुरी की बात है, मैनपुरी का परिणाम पहले से स्पष्ट था। शिवपाल सिंह को मनाना, रिझाना, समझाना, पटाना, जो कुछ किया अखिलेश यादव ने अपने पॉलिटिकल लाइफ का एक बहुत बहुत बड़ा एक उन्होंने खेला और एक काम किया। एक काम उनको पहले कर लेना चाहिए था तो शायद 2022 के असेंबली इलेक्शन के जो परिणाम है वो 125 नहीं होते, सबको मिलाकर 160-165 तक पहुंच सकते थे। शिवपाल यादव को इस्तेमाल नहीं किया। नंबर एक, नंबर दो, हम क्यों भूल जाते हैं कि वही मैनपुरी है जहां 2019 में हम लोगों ने 25 साल बाद यूपी की सियासत का सबसे बड़ा नजारा देखा। यानी सपा बसपा को एक साथ देखा था। यूपी की पॉलिटिक्स का डेडली कॉम्बिनेशन में महामारक गठबंधन कहता हूं, उसके बावजूद आपने जब देखे थे लेकिन हेमंत जी, हेमंत जी मैं एक सवाल आपसे ये जानना चाहता हूँ। डेढ़ घंटा हो गया जी। जी हेमंत जी मैं आपके पास आऊंगा, आपसे सवाल ये है, ठीक है, आपसे सवाल ये है कि जिस तरीके से ये चुनाव के परिणाम जो आ रहे हैं, ये परिणाम आखिर क्या संदेश देंगे, इसका मैसेज क्या जाएगा? देखिए आमतौर पर माना जाता है हम आप पत्रकार, बड़े राजनीतिक विश्लेषक, समीक्षक, एंकर, पॉलिटिकल पंडित ये मान के चलते हैं कि बाई इलेक्शन जो है सत्तारूढ़ दल के होते हैं। अगर सत्तारूढ़ दल के पक्ष में बाई इलेक्शन से नहीं गए तो सुनिश्चित रूप से आनंद दुबे की पार्टी जो उत्तर प्रदेश में रिकॉर्ड बनाकर दोबारा सत्तासीन हुई है, सत्तारूढ़ हुई है, उसकी कार्य प्रणाली खासतौर से लोकल एडमिनिस्ट्रेशन कैसा है इस पर जरूर सवाल उठेंगे। कि आप सुशासन की बात करते हो, क्या आप इन कंस्टिट्यूशन के जो बेसिक इश्यूज है उनको एड्रेस नहीं कर पाए, जबकि कुछ महीने पहले ही जनता ने आपको दोबारा मौका दिया, इतिहास बदलते हुए, रवायत तोड़ते हुए आपको दोबारा मौका दिया है कि आपसे अपेक्षाएं थी, इसका मतलब लोकली आप नहीं कर पाए। मैं यही कहता हूं बार बार, अच्छे चुनाव परिणाम कभी कभी आदमी को बड़ा मुगालते में डाल देते हैं। उसकी जो करने की जो इच्छा शक्ति होती है वो प्रभावित होती है। उत्तर प्रदेश में इस वक्त क्या चल रहा है, गांव देहात, शहर, तहसील, थाना, ये विद्यालय, पीएचसी, सीएचसी में, ये सरकार को देखना चाहिए। अब मैं दावे के साथ कहता हूँ सरकार देखना शुरू कर दे। बिल्कुल हेमंत जी, हेमंत जी वापस आएंगे आपके पास, आप प्लीज बने रहिए हमारे साथ में। इजहार अली एसबीएसपी से हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं। इजहार अली जी मैं आपके पास आऊंगा, सवाल यही है कि आप समाजवादी पार्टी के गठबंधन से चूंकि अलग हो चुके हैं, बा इस वक्त आप मुक्त हैं, थोड़ा सा झुकाव बीजेपी की तरफ जरूर नजर आता है आपके बातों के जरिए, इस चुनाव को कैसे देखते हैं आप, चूंकि आपका प्रत्याशी भी नहीं था? नहीं, हमारा कोई, हम पहली बात तो मैंने आपको पहले ही कहा कि मैं समाजवादी पार्टी से, हमारा दल अलग नहीं हुआ, समाजवादी पार्टी ने अलग किया। दूसरी बात, हमारा झुकाव किसी दल की तरफ नहीं, हमारी अपनी पार्टी है महाराज। हम लोग अपनी पार्टी का संगठन का हम लोग अपना काम करते हैं, अपने हम शोषितों, वंचितों, गरीबों, अल्पसंख्यकों, दलितों की हम आवाज उठाते हैं। अभी आपने देखा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने, भाई मैंने अपने राजनीतिक जीवन में इतना अपने दायित्वों को ईमानदारी से न निर्वहन करने वाला नेता माननीय अखिलेश यादव जी को मैंने देखा इतने बड़े राजनीतिक जीवन में, कि सदन चलता है, सदन नेता प्रतिपक्ष है और उसके बाद सदन में नहीं आते हैं। आपको रोकना चाहूंगा, एक बड़ी खबर आपको बता दें, रामपुर में सातवें राउंड में आसिम राजा आगे, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, रामपुर सीट से भी आसिम राजा आगे चल रहे हैं, 5119 वोटों से आसिम राजा आगे चल रहे हैं। तो बड़ी खबर आपको बता दें, रामपुर से सामने आ रहे लगातार आसिम राजा, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी इस वक्त आगे चल रहे हैं। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, खतौली से